कानपुर देहात में दिसंबर महीने के पहले शनिवार के चलते सभी तहसील परिसरों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में भोगनीपुर तहसील में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में सिकंदरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी तहसीलों में शिकायतकर्ताओं की खासी भीड़ अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पहुंची, तो कुछ ऐसा ही नजारा जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में देखने को मिला। दरअसल सिकंदरा तहसील के सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित हुए तहसील दिवस में 87 शिकायतें आईं और जिनमें से 5 शिकायतों को मौके पर ही अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया और एसडीएम सिकंदरा महेंद्र कुमार ने निस्तारण कर दिया। कुल 87 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से कुछ मांग की थी, कुछ शिकायत थी, जिनमें से 5 एप्लीकेशन का निस्तारण मौके पर कर दिया। अधिकारियों क्या निर्देशित किया गया है? मौके पर जाएं, वादी को सुने, उस शिकायतकर्ता को सुने जरूर, ये जरूरी नहीं है कि उसकी शिकायत वाजिब ही हो, सुनने के बाद ही निस्तारण किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।